किसी भी दोस्तों को अगर YouTube पे सक्सेस होना है तो ये पांच जो हम फंडामेंटल टिप्स बता रहे हैं उसे आप जरूर फॉलो कीजिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। जी हाँ, हम पूरी शिद्दत से, और मैंने जो भी फॉलो किया, क्योंकि मेरे पास दो तीन चैनल है फ्रेंड्स और मैं अच्छा खासा YouTube से अर्निंग कर रहा हूँ, उसी के व्यू को देखते हुए मैं सोचा क्यों ना आप लोग के सामने एक वीडियो बना दूँ जहाँ पे इन पांचों टॉपिक को फॉलो करके आप भी सक्सेस हो जाइएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश कुमार और मैं हमेशा इस तरह के आप लोग को मोटिवेट करने के लिए, आप लोग भी कैसे सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया को अच्छी तरह से यूटिलाइज करके पैसे कमा पाए, उसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और लेके आता रहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आप भी सोच रहे हैं यूट्यूब से जुड़ना या किसी भी सोशल मीडिया से जुड़ करके पैसा कमाना, तो आप बहुत अच्छे जगह पे हैं और आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू जान करके, सीख करके और यहीं पे इम्प्लीमेंट करके आज उन सभी से ज़्यादा अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं जिनसे सीखे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सोशल मीडिया का ही कमाल है, जहाँ पे लोग सीखते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करके उसी जगह पे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं वो 5 मंत्रा जिसे फॉलो करके आप भी सक्सेस हो सकते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में, जो चाहे जिस टॉपिक पे आप बना करके सक्सेस हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहे, तभी आपको पता चलेगा। और लास्टली में एक ऐसा मंत्र बताऊंगा फ्रेंड्स, जिसे एक्सेप्ट करके आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इस वीडियो को शेयर कर लें। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला मंत्र है यूट्यूब पे सक्सेस होने का, वो है फ्रेंड्स 15 मिनट का रिहर्सल। जी हाँ, आप कोई भी वीडियो बनाने जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में बनाए, किसी भी तरह का वीडियो बनाए, ठीक है ना, आपको वीडियो बनाने से पहले 15 मिनट का रिहर्सल बहुत जरूरी है। अगर आप 15 मिनट का रिहर्सल करते हैं तो आपका वीडियो बहुत ही शानदार और जोरदार बनेगा, और ऐसा बनेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। वो कैसे फ्रेंड्स, आप देखे होंगे 2 घंटा 3 घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा का मूवी आप देखे होंगे। जी हाँ, आप सोचिए वो 3 घंटा का मूवी बनाने में लोगों को साल साल, डेढ़ डेढ़ साल, दो दो साल, तकरीबन 5-5 साल लग जाते हैं। वो क्यों लग जाते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, एक एक सीन को जनरेट करने के लिए करीब करीब उन लोगों को 100-100, 200-200 बार शॉट लेने होते हैं, और जो 100-200 बार शॉट लेते हैं, उनसे शॉट लेने में उनमें परफेक्शन आ जाता है, और परफेक्शन आते ही वो लोगों को नज़र में वो सीन जब वो डिलीवर करते हैं तो लोगों को नज़र में बैठ जाता है, वो सीन अच्छा लगता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप किसी भी टॉपिक पे बनाए वीडियो, आपको मिनिमम 15 मिनट रिहर्सल करना बहुत जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरा जो सबसे मस्त टॉपिक है, हैव ए फन। जी हाँ, ये बहुत सोचने वाली टॉपिक तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाते हैं वो आपको अंदर से निकलना चाहिए। इन मीन कि ऐसा नहीं कि आपको वीडियो बनाने का मन कर रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, और आपको कोई व्यक्ति कह दे कि अरे यार तुम क्या प्रैंक पे वीडियो बनाओ और उसमें तुम सक्सेस हो जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं। जो आपको करने में अच्छा लगे उसी टॉपिक पे वीडियो बनाए और उस पर हैव ए फन करके बनाए। क्योंकि जैसे फ्रेंड्स, जैसे मैंने एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मुझे, मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे कोई बोल दिया व्यक्ति अरे यार तुम तो मोटिवेशन वीडियो बनाओ, और मोटिवेशन मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे मैं बताऊंगा कि मोटिवेशन वीडियो, अब जैसे मैं बताता हूँ, मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मेरे सर पे माँ का हाथ है। अब फ्रेंड्स, ये डल सा एक्सप्रेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, अगर इसी तरह से मुझे अंदर से निकलता है ये बात, तो मैं इस तरह से एक्सप्रेशन देता, देखिए मुझे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता क्योंकि
मेरे सर पे माँ का हाथ है। अब एक एक्सप्रेशन उस एक्सप्रेशन में दोनों में क्या फर्क है जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स कुछ भी आप बनाए जब तक आपको अंदर का मन डिलीवर नहीं करता है, मतलब आपको अंदर से वो काम करने का इच्छा नहीं करता है, तो उस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाए। दुनिया में बहुत सारे टॉपिक है, कुछ भी उठा लीजिए आप, खेत खलिहान या जिस टॉपिक पे आप बनाना चाहते हैं वीडियो बना लीजिए और सब चलता है और धड़ल्ले से चलता है और हर किसी का वीडियो वायरल हो जाता है। वो बस डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और आप कितना वीडियो डालते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तीसरा जो टॉपिक है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिना यूट्यूब पे आप ऑब्जर्व किए हुए आप सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति कह ले मुझे ये आता है और मैं इसी पे सक्सेस हो जाऊंगा, लेकिन फ्रेंड्स आपसे भी पहले लाखों लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो डाला है। और ऐसा नहीं कि आप जो आप डिलीवर कीजिएगा आपको कैसे पता चलेगा कि उनसे बेहतर आप डाल रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स जो भी वीडियो आप डाल रहे हैं, आपसे पहले जो भी व्यक्ति डाले हैं उनका दो चार वीडियो देख लीजिए, उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनका फ्रेश एक्सप्रेशन देखिए कि अगर वो कोई दुर्घटना बना रहे हैं तो उनका बोलने का फेक्स एक्सप्रेशन क्या है, अगर वो कोई हैप्पीनेस या खुशी वाला चीज़ पे बना रहे हैं वीडियो तो उनका फेस का एक्सप्रेशन क्या है, अगर कोई वो हॉरर मूवी का सीन पे वो अपना डायलॉग बोल रहे हैं तो उनका फेस का एक्सप्रेशन क्या है। ऐसा आपको उनको ऑब्जर्व करना ही चाहिए। अगर आप ये तीन चीज जो है इसे फॉलो करते हैं तो आप भी सक्सेस हो सकते हैं। और चौथा जो सबसे मस्त चीज है फ्रेंड्स की, कीप टेकिंग चैलेंज। जी हाँ, कीप टेकिंग चैलेंज। जी हाँ, जब तक आप चैलेंज लाइफ में नहीं लीजिएगा आप सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। आपको चैलेंज लेने आना चाहिए। जैसे कि आपको वीडियो बनाने का मन कर रहा है, वीडियो बनाने का मन कर रहा है, आप सोच लिए कि हम वीडियो बनाएंगे। जी हाँ, आज एक वीडियो डालें, अरे चलो वीडियो बना लेते हैं, आज एक वीडियो डालें, फिर वीडियो डालेंगे फिर 10 दिन बाद वीडियो डालें, तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स। आपको चैलेंज लेना है कि मुझे महीना में 100 वीडियो डालना है। व्यू का छोड़ दीजिए कितना व्यू आएगा, सब्सक्राइबर का छोड़ दीजिए कितना सब्सक्राइबर आएगा, वो लेट हिम सी, वो कौन देखेंगे, वो परमात्मा देखेंगे। आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट देना परमात्मा का काम है, गॉड का काम है, वो लेटेंसी उन पे छोड़ दीजिए, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मैंने चैलेंज लिया कि 100 वीडियो डिलीवर करना है, 100 वीडियो इस चैनल पे डालना है, महीना में डालना है 100 वीडियो, तो उसे डाल दीजिए, चैलेंज लेकर के डाल दीजिए, चाहे जैसा भी वीडियो आप डाल दीजिए, ठीक है। और पांचवा फ्रेंड्स, एक्सेप्ट फीडबैक। जी हाँ, आपको फीडबैक एक्सेप्ट करना जानना चाहिए। जी हाँ, फीडबैक से आपको घबराना एकदम नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग यूट्यूब पे आए हैं तो सिर्फ सीखने के लिए आए हैं और अपना कम्युनिकेशन स्किल और अपना इनकम का जरिया सोच करके आए हैं, तो आपको फीडबैक से नहीं घबराना है। आप देखिए कितने कितने जो विलन हुए कितना गाली सुनते थे, अब तो खैर कोई विलन नजर ही नहीं आते हैं मूवी में और समझ ही नहीं आता कौन विलन है कौन हीरो है। लेकिन पहले का आज से 10 साल पहले की मूवी में देख लीजिए, ठीक है ना, मतलब विलन को देख करके आप छोड़िए ना, मूवी में तो छोड़िए ना, अगर आपके सामने वो विलन आ जाता था, ठीक है ना, तो कितने लोगों को तो पैंट से पेशाब हो जाता था उस विलन को देख करके। इसलिए हकीकत में ऐसा होता था, कोई व्यक्ति अगर बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो सिनेमा देख लिया और गलती से उसे बोल दिया था, ओ देख वो बंदा आ गया, अमरीश पुरी आ गए बेटा, वो सिनेमा में देखा था ना, वो आ जाएगा पकड़ लेगा, तो वो व्यक्ति कितने लोगों को तो पैर में पेशाब हो जाता था। तो अब सोचिए उनको कितना गाली पड़ता होगा, ऐसा नहीं गाली तो पड़ता होगा, नेगेटिव व्यू भी जाता होगा लोगों से, छोटे छोटे बच्चे उनको मतलब याद करके डर जाते होंगे, तो और लोग गाली भी देते होंगे। जो समझदार थे तो वो तो समझते थे कि ये बेचारा रोल निभा रहा, लेकिन अब देखे होंगे बचपन का याद कीजिए, जो मेरे एज के होंगे बचपन का याद कीजिए कि जब आप मूवी देखते होंगे, ठीक है ना, तो मूवी चल रहा होगा सामने टीवी में मूवी चल रहा होगा और आंसू आपके आँख से आंसू गिर रहा होगा। कई लोग कई मूवी में ऐसा हुआ, मेरे साथ खुद हुआ कि जब मैं फर्स्ट टाइम शोले मूवी देखा था तो मैं देख रहा था कि कैसे धर्मेंद्र को मारा गया, तो उस समय मेरे आंखों से आंसू चला कि नहीं, एक
बहुत गलत हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, इनके साथ अच्छा नहीं हुआ था, ये बंदा गब्बर ठीक नहीं किया, ये बहुत गलत किया, मतलब मेरे आंखों से आंसू चल रहा था, ऐसा भी बकता है। तो फ्रेंड्स उनके तो उनको कितना गाली दिए, मतलब मैं दी गाली दिया, लोग गाली कितना गाली देते होंगे, लेकिन उससे वो घबराते नहीं थे, अपना उनको रोल मिला, वो रोल करते हैं। क्यों लोगों को देखें भाई, लोगों का काम है कहना, अच्छा करेंगे तो भी लोग कहेंगे, खराब करेंगे तो भी लोग कहेंगे, गलत करेंगे तो भी लोग कहेंगे, उनका काम करना। लेकिन मुझे जो रोल मिला, हम जो करना चाह रहे हैं, हम किसी को डायरेक्ट रूप से हर्ट तो नहीं कर रहे हैं ना, मेरा जो रोल मिला हम करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि चार पांच वीडियो डाले उसके बाद आपके नीचे कमेंट आ गया कि भाई तू बहुत गंदा वीडियो बनाता, एकदम गलत बात है। कई लोग तो गाली दे देते, गंदे गंदे गाली दे देते हैं, तो उसे घबराना नहीं है, उनका काम, उनका वो मेंटलिटी है, वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकते, डिमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके उनमें वो डिमोटिवेटेड पर्सन है, इसलिए वो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, उनके उनमें उनमें उतना क्षमता ही नहीं है कि किसी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इससे एकदम नहीं घबराना। तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए, पांच टॉपिक आपको बताया कि आप जब भी वीडियो बनाइए, एक बार हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब भी आप वीडियो बनाइए फ्रेंड्स, तो आपको 10 से 15 मिनट आपको उस टॉपिक पे रिहर्स जरूर कर लें। तीसरा, जब भी आप वीडियो बनाए फ्रेंड्स, तो फन में करें, ऐसा नहीं कि अरे भाई मजबूरी है तो बनाना है वीडियो, नहीं ऐसा नहीं, फन में करें, जैसे इच्छा करें आपको वैसा करें, अपना मन से करें, किसी को कहने पे ना करें, अपना मन से करें, फन में करें। कभी हंसने का मन करे तो हंस करके वीडियो बना लीजिए, सॉरी फ्रेंड्स, कभी रोने का मन करे तो रो के वीडियो बना लीजिए, अरे भाई वीडियो ही तो बनाना, लेकिन फन के साथ करें, जिससे कि लोगों को, सामने वाला व्यक्ति को आप पे एक्सप्रेशन बना रहे, ऐसा नहीं कि रो दूं मुंह करके, रोते हुए आप वीडियो बनाइए तो रोता हुआ चेहरा किसको अच्छा लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। तीसरा, जो ऑब्जर्व करना सीखें, जैसे कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पे वीडियो बना, किसी का कॉपी ना करें फ्रेंड्स। भाई गॉड ने जब आपको अलग हर चीज़ दिया है तो आप अलग तरह से करें, क्यों किसी का कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्व करें किस व्यू से कैसे कर रहा है अगला व्यक्ति, उसके बाद सेम अपना एक्सप्रेशन में उसको उतार दें और वीडियो बना लें, इसका कोई कॉपीराइट और कुछ नहीं है। आप बिंदास होकर के बनाइए वीडियो और कीप टॉकिंग, टेकिंग चैलेंज, हमेशा आप चैलेंज लेना सीखे, किसी भी क्षेत्र में जाइए, आप बिना चैलेंज के आप सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं। और छठा पांचवा, आप एक्सेप्ट अपना गलती, कोई व्यक्ति बोला हाँ एक्सेप्ट मेरी गलती है सर, मैं आगे सुधार लूँगा, ये चीज़ गलत हुआ मैं सुधार लूँगा, इसे जरूर आप फॉलो करें फ्रेंड्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि आप भी अगर यूट्यूब पर सक्सेस होना चाहते हैं तो इस पाँच मंत्र को आप फॉलो कीजिए, रियली आप एक ना एक दिन सक्सेस हो जाइएगा, और आप भी उन सारे यूट्यूबरों के लिस्ट में शामिल हो जाइएगा जहाँ पे लोग लाखों रुपया 6 डिजिट 7 डिजिट में पैसे अर्न कर रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, आज के वीडियो के लिए जरूर हमारे चैनल बने रहें, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना इसे सीखने के लिए मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन चैनल कार्टकुली.com। बाय बाय फ्रेंड्स।